हर हर इतना थोड़ा सा चल रहा है, आप लोगों को हिंदी भेद समझ में आ रही है ना, हाथ उठाइएगा, माता रानी के नाम पर हाथ उठाइए, अगर भेद समझ में आ रही है तो हाथ उठा लीजिए, और कैसे कहना है, अरे अब तू अपन बना दे, अब तू दर्श दिखा, जो तबाही बनी है, हम तेरे बिन पता, जो तबाही बनी है, गिरी बना, अच्छा लगा है तो एक बार हाथ उठाइए, हमको पता चले कि पता नहीं हम कैसे गाए नहीं गाए, लगभग 50% के ऊपर आदमी को अच्छा लगा है। एक बात बता देते हैं, जो हम आप बोलने वाले हैं उस पर ध्यान दीजिएगा, जिसका शादी 5 साल से नहीं हो रहा होगा, अगुआ आता होगा खा के चला जाता होगा, अगर हाथ उठाइएगा तो इसी साल उसका शादी हो जाएगा, हाथ उठाइएगा, ये छोटे से उठाता है, छोटे से शादी रुका हुआ है, बोलो सबके दरबार की, कितना आदमी कहता है मेरा बलुआ के जो है ना 5 साल से शादी के लिए कुटुंब लोग आ रहा है, लेकिन पता नहीं क्या गड़बड़ी है, बच्चा भी मेरा बड़ा सुंदर है, पढ़ा लिखा भी है, लेकिन अगुआ खा के चला जा रहा है। तो कारण यही होता है कि भगवान के दरबार में आकर के आप लोग हाथ नहीं उठाते हैं जयकारे, इसलिए आपका खर्चा बढ़ता रहता है हमेशा। अगर आप चाहते हैं कि मेरे बच्चे को इसी लगन में शादी हो जाए इस साल, तो जयकारे लगाइए जोरदार, बोले दुर्गा मैया की, इतना तो हम अकेले जयकारा लगा रहे हैं। एक बात और ध्यान रखिए, आपके माथा पर जो काल काउ काउ कर रहा होगा ना बहुत बरसों से, अगर जयकारा लगाइएगा तो आपके माथा पर के काल उड़ करके अब बगल वाले के माथा पर बैठ जाएगा, बोलो सच्चे दरबार की, अभी भी नहीं लग रहा है। तो एक बात और बताते हैं, आपके बगल में जो आपका दुश्मन होगा